गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेलकम मेरे माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ ट्रिपल डिजिट का मल्टीप्लाई विथ अबेकस, कि आप ट्रिपल डिजिट का मल्टीप्लाई अबेकस से आप कैसे करेंगे। आप रेडी हो जाएं, अपना अबेकस रेडी कर लें और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे आपको अच्छे प्रकार से अबेकस से क्वेश्चन करना आ जाए। तो देखो, संख्या है हमारे पास 475 मल्टीप्लाई 687, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपका जो स्कूल वाला मेथड है उससे हम अपोजिट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 7 का टेबल हम बोलते थे 5 बार, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 6 का टेबल बोलेंगे हम 4 बार। आगे से करेंगे, 6 का टेबल हम बोलेंगे 4 बार, और हम कौन सी रोड से चालू करेंगे, 6 रोड से। देखो 3 डिजिट इधर है और 3 डिजिट इधर है, तो 3 और 3 6, हम दोनों डिजिटों का टोटल लगा लेते हैं, तो 3 और 3 6। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 6 डिजिट से स्टार्ट, 6 रोड से, 6 रोड से स्टार्ट, 6 रोड से स्टार्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यूनिट पॉइंट को देखो और ग्लोब 1 2 3 4 5 6, जो आपका आंसर है वो आएगा 6 डिजिट में। तो 6 का टेबल हमने बोला 4 बार, 6 4 जा 24, ये 2 ये 4, ये हमने 24 बना लिया, 6 4 जा 24। तो हमने क्या बना लिया, 24। जहां आपको 4 बना हुआ है वहां पर अपनी फिंगर रख लो आप, जहां 4 बना हुआ है वहां पर अपनी फिंगर रख लो आप। अब 6 का टेबल बोलना आपको 7 बार, 6 7 जा 42, तो आपको 4 ऐड करना है, तो 4 का स्मॉल पॉइंट -1, 5 नीचे और 42, आपने 2 बना दिया। अब जहां 2 बना हुआ है वहां पर अपनी फिंगर रख लो, 6 5 जा 30, इसका मतलब है 3 ऐड करना है, तो 3 का स्मॉल पॉइंट -2 और 5 नीचे, यहां हो गया 0, ओके। तो ये हमारा स्टेप पूरा हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप लेना है। अब हमको 8 का टेबल बोलना है 4 बार, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप चालू होगा हमारा 5th रोड से, जो सेकंड स्टेप है वो हमारा चालू होगा 5th रोड से। आप गिन लो ऐसे यूनिट पॉइंट से 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब बताओ 8 4 जा 32, इसका मतलब हमको 3 ऐड करना है, तो 3 का फ्रंट -7, बेसमेंट ऊपर, और 2 हमने यहाँ बना दिया। अब अपनी फिंगर यहाँ रख लो आप, 8 7 जा 56, तो 5 का फ्रंट -5, बेसमेंट ऊपर और 6 बना दिया। अब फिंगर यहाँ रख लो आप, 8 5 जा 40, इसका मतलब आपको 4 ऐड करना है, तो 4 का फ्रंट -6, बेसमेंट ऊपर, 0 यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। अब चलेगा हमारा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, 7 का टेबल बोलना हमको 4 टाइम्स, ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप होगा हमारा 4th रोड से स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने चालू किया 6 रोड से, जो हमारा सेकंड स्टेप था वो हमने किया 5th रोड से, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमने चालू किया 4th रोड से, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा। हम गिन लेते हैं यूनिट से 1 2 3 4, ये हमारा 4th रोड हो गया। अब हमको 7 का टेबल बोलना है 4 बार, 7 4 जा 28, तो 2 जोड़ना है, तो 2 का स्मॉल फ्रंट -3, 5 नीचे, लगना बना दिया 8 28। अब 7 का टेबल बोलना है 7 बार, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ हमको 4 ऐड करना है, तो 4 का फ्रंट -6, बेस फ्रंट ऊपर, और यहाँ हम बना देंगे 9 49। अब फिंगर यहाँ रख लो 9 की जगह, 7 5 जा 35, तो 3 ऐड करना है, तो 3 का फ्रंट -7, बेस फ्रंट ऊपर, और 7 5 जा 35, लास्ट में बना देंगे 5। तो जो आपका आंसर आया बच्चों, वो आया आंसर आपका 3 2
3 2 6 3 2 5 1 2 3 4 5 6 सिक्स रोड में जाके आपका आंसर आया है। 475 मल्टीप्लाई 687 का आंसर आया है 3,26,325। ओके, अब एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा 368 मल्टीप्लाई 297। तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया वैसे के वैसे ही आपको इधर भी करना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल बोलेंगे आप 3 बार, और कौन सी रोड से चालू करेंगे, 6 रोड से। तो आप 1 2 3 4 5 6 6 रोड से चालू करो आप, तो 2 3 6, तो 6 क्या है, सिंगल डिजिट है, तो हम इसे लिखेंगे 06। क्या लिखेंगे हम, 06। जब कोई सिंगल डिजिट आती है उसके आगे हम 0 लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये तो 0 हो गया, ये हमने बना दिया 6। 2 6 12, तो 1 ये और 2 ये, और 2 8 16, ये 1 ये 6, ये हमने चालू किया 6 रोड से स्टार्ट किया। अब हम 9 का टेबल बोलेंगे 3 बार, अब हम 9 का टेबल बोलेंगे 3 बार, तो 9 का टेबल हमको कहां से स्टार्ट करना है, अब हमको करना है फिफ्थ रोड से स्टार्ट, फिफ्थ रोड से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो बताओ 9 3 27, तो हमने 2 ऐड कर दिया और 7 का फ्रेंड माइनस 3 बेस्ट फ्रेंड ऊपर, 9 3 27 बेस्ट फ्रेंड ऊपर। अब हमारा क्या है, अब हमको 9 का टेबल बोलना है 6 बार, 9 6 54। सेकेंड दोबारा समझ लो आप शुरू से एक बार वापस स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले आपने 6 रोड से चालू किया और 2 का टेबल बोला आपने 3 टाइम्स और रोड गिनी थी 6 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 6, तो आपने 0 माना था यहाँ, तो यहाँ आपने 6 बना दिया 0 6, और 2 6 जा, उसके बाद 2 6 12, ये आपने 1 ऐड कर दिया, ये आपने 2 बना दिया, 2 8 16, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। ओके, अब आपको 9 का टेबल बोलना है 3 बार, आप चालू करेंगे फिफ्थ रोड से, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से चालू करना है आपको, तो 9 3 9 3 27, ये आपने 2 ऐड कर दिया और उंगली यहाँ रोड 7 का फाइव माइनस 3 बेस्ट पॉइंट ऊपर, ये यहाँ तक हो गया आपका। अब 9 6 54, ये आपने 5 ऐड कर दिया, यहाँ आपको करना 4, तो 4 का फ्रेंड माइनस 6 बेस्ट फ्रेंड ऊपर। अब 9 8 72, तो 7 बना दो आप, और 2 आपने इधर बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप 7 का टेबल बोलेंगे 3 बार, ये हमारा आ गया थर्ड स्टेप। अब आप चालू कर देंगे फोर्थ रोड से स्टार्ट, तो 1 2 3 4, यह आपने फोर्थ रोड बना दिया, और 7 का टेबल बोलेंगे आप 3 बार, तो 7 3 21, 2 और 1, अब फिंगर यहाँ रख लो आप, 7 6 42, तो 4 का फ्रेंड माइनस 6 बेस्ट फ्रेंड ऊपर, तो ये आपने 2 बना दिया, अब फिंगर आप यहाँ रख लो, और 7 8 56, ये 5 ये 6, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ और आंसर आया आपका 109 209 296 296 1,09,296। ये आपने 2 क्वेश्चन समझ लिए, ट्रिपल डिजिट का मल्टीप्लाई ट्रिपल डिजिट का अवैकस से कैसे होगा। पहले आपको क्या करना है, 6 रोड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप 6 रोड से, सेकंड स्टेप फिफ्थ रोड से, थर्ड स्टेप फोर्थ रोड से, और क्रम बाय क्रम आपको आगे से मल्टीप्लाई करना है,
जैसे सिक्स का टेबल पहले आप बोलेंगे 4 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार, फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में 8 का टेबल बोलेंगे आप 4 बार, 7 बार, 5 बार, और फिर लास्ट में 7 का टेबल बोलेंगे 4 बार, 7 बार और 5 बार। याद रखना कौन सी रोड से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप 6 रोड, सेकंड स्टेप 5th रोड और थर्ड स्टेप 4th रोड। ओके बच्चों, और मैं आपको विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन से हैं जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो सकता है। देखो, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। बालक का कौवे जैसा चतुर होना चाहिए, जिस प्रकार पक्षियों में कौवा चतुर होता है उसी प्रकार बालक को चतुर बनना चाहिए, उसका स्वभाव चतुर होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, जिस प्रकार बगुले का ध्यान समुद्र के अंदर बगुला एक टांग से खड़ा रहता है, एक टांग नीचे और एक टांग ऊंची रखता खड़े रखता है, जैसे मछली आती है मछली को वो तुरंत अपनी टांग से झपट लेता है और चोंच से, तो उसका ध्यान कहाँ है, मछली के ऊपर, उसका लक्ष्य है मछली। इसी प्रकार स्टूडेंट का लक्ष्य क्या है, पढ़ाई, स्टडी, तो उसका जो लक्ष्य है वो अपना अध्ययन, बराबर पढ़ाई करता रहे बगुले की तरह। स्वान निद्रा कुत्ते जैसी, कुत्ता क्या है, कुत्ते के बगल में से कोई निकलता है तो कुत्ता सोता रहता है, तुरंत आँख खोल के देखता है कौन आ गया। तो बालक को क्या है, स्टूडेंट को खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है, अधिक नहीं खाना खाना चाहिए। अधिक खाना खाने से क्या है, मोटापा बढ़ता है, बुद्धि ठस्त हो जाती है और नींद ज़्यादा आती है। तो आप खाना उतना ही खाएं जितनी आपको आवश्यकता है, ज़्यादा खाने से शरीर बेकार होता है, बुद्धि बेकार होती है। और अल्पाहार, अल्पाहार का मतलब अपने जितनी आवश्यकता है उतना खाएं। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब है कि आप घर से बाहर नहीं जाएं, आप ऐसे रूम में पढ़ें जहां पर आपका टीवी नहीं लगा हो और जहां पर आपके साइड में जैसे कोई बात कर रहा है, बातचीत चल रही है, गेस्ट रूम में उससे थोड़ा सा अलग हो, उसमें आप बैठ के शांति से बैठ के याद करें, पढ़ें। एक अलग ही रूम होना चाहिए, स्टडी रूम, जिसको हम बोल सकते हैं स्टडी रूम। तो आप स्टडी रूम में बैठ के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, मन लगा के याद करें, आपको पक्का याद होगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपके मन को, आपका मन एकचित हो जाएगा और आप अच्छे से याद कर पाओगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओके बच्चों।